टीकी। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के परंपरा की झलक संजोए लोक गीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियां हैं, कुछ मौसम हैं, मन बतिया हैं, मेले भी हैं और नदियां हैं, कुछ झूले हैं, अंगनियां हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है, ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के धरती के गीत। धरती के गीत सुनने वाले सभी साथियों को असीम का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत आपका लोक संस्कृति की इस अनवरत यात्रा में। ये लोकगीत ही हैं जिन्होंने हमें और आपको जोड़ा है, क्योंकि लोकगीत की विशेषता है सभी को साथ लेकर चलना। और ये विशेषता आज की नहीं, वर्षों पुरानी है। लोक भाववादी है, इसलिए संवादी है। लोक का संवाद होता है जन परंपराओं के संदर्भों के साथ, उत्सवों के साथ, जो सदियों से वाचिक रूप से भारतीय जन के मन को जोड़े हुए हैं आपस में। हम जिस समाज में रहते हैं वो लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। ये भी कह सकते हैं श्रोताओं कि जीवन और समाज की धड़कन होते हैं लोकगीत, और इन लोकगीतों को सहेजने का प्रयास है आकाशवाणी महानिदेशालय की लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना। अन्य केंद्रों की भांति आकाशवाणी रामपुर ने भी इस महाअभियान में सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाई है। लोक स्थायी है, इसीलिए लोक संग्रह है। ये परंपरा चिरंतन है, इसीलिए परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये लोकगीत हस्तांतरित होते चले आए हैं। लोक की अवधारणा बहुत व्यापक है। लोक के साथ जब गीत जुड़ जाते हैं तो मन की भावनाएं सुगमता के साथ अभिव्यक्त होती हैं। लोकगीतों की ये परंपरा जीवन की सच्चाई खोजने की परंपरा है। हमने इस महापरियोजना में संकलित किए विभिन्न जातियों के कुछ ऐसे ही संस्कार गीत, पर्व, ऋतु और देवी देवताओं के गीत। ग्राम हरियाल तहसील सदर रामपुर की पाली जाति के लोकगीत वीरवती, पवन कुमारी, श्याम कली, कैलाश देवी और कमला देवी की आवाजों में आपको सुनवाते हैं एक सोहर गीत। इसमें जच्चा के मन की व्यथा को बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। जच्चा के बच्चा हुआ है और उसका पति उसके पास नहीं है, वो किसी मालिन के घर गया हुआ है। अपने मन की इसी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रही है जच्चा इस सोहर गीत में। Hello।
शादी किसी भी समाज का एक प्रमुख संस्कार होता है। शादी के अवसर पर बहुत धूमधाम के साथ अनेक रस्मों का आयोजन होता है। एक बन्नी गीत है जिसमें सब अनुरोध कर रहे हैं बिटिया से कि वो रोए ना, वो रोएगी तो सब उसकी मजाक उड़ाएंगे। आपको सुनवाते हैं संस्कार गीतों की श्रृंखला में एक भात गीत। इसमें बहन भाई से शिकायत करती है कि वो भात में कुछ नहीं लाया। उसके तो क्या क्या अरमान थे कि उसका भैया भात में सबके लिए क्या क्या उपहार लेकर आएगा, लेकिन जब भाई भात देने आया है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं लाया। इसकी वजह से बहन की समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, सभी उसे ताने दे रहे हैं। उसको तो स्थिति ऐसी लग रही है कि धरती फट जाए और वो इस धरती में समा जाए। Yeah.
एक बन्ना गीत आपको सुनवाते हैं, जिसमें लड़की अपने वर से कहती है कि उसके घर वाले बहुत नखरे वाले हैं। बन्ने की दादी, बन्ने की ताई, बन्ने की चाची, इतने नाज नखरे हैं उनके कि बन्ने के लिए उनको संभालना, उनको संतुष्ट करना, उनको खुश करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। ये एक भात का न्योता गीत है। बहन अपने भाई को भात के लिए आमंत्रित करने जा रही है। ये बता रही है कि उसके घर में कौन कौन है और किसको उसकी मान प्रतिष्ठा के अनुसार उपहार देना है। Yeah.
श्रोताओं, ये गीत थे ग्राम हरियाल तहसील सदर जिला रामपुर की पाली जाति के वीरवती पवन कुमारी श्यामकली कैलाश देवी और कमला देवी की आवाजों में। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा, आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धरती के गीत।